तो फ्रेंड्स, आप लोग भी अगर फ़्लाइट की मदद से कहीं भी जाने की सोच रहे हो तो फ्लाइट एयरपोर्ट के अंदर आने से पहले ही खाना पीना खा के आना, क्योंकि एयरपोर्ट में जो प्राइस है आप लोग देख के ख़राब हो जाएगा दिमाग दोस्तों। एक समोसे का कीमत 170 रुपया, जो कि एयरपोर्ट के बाहर 5 रुपये का मिलता है। तो जो भी अगर हेलो ये फ्रेंड्स, मेरा नाम एके फ्री है। मेरे चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, मैं वैसे तो डिफेंस के रिलेटिव वीडियो वगैरह छोड़ता हूँ, जॉब रिलेटिव वीडियो छोड़ता हूँ, लेकिन ये वीडियो में आप लोगों को एक ब्लॉग बनाने वाला हूँ दोस्तों। गुवाहाटी टू दिल्ली में जाने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप भी कहीं पर भी जाने की सोच रहे हो कि फ़्लाइट की मदद से, तो मैं आप लोग को वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि आप लोग को क्या क्या करना होगा, कहाँ कहाँ जाना होगा। आप लोग को पता नहीं चलेगा ना, जो पहली बार जाने की सोच रहा है ना, उन लोग को यह ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो दोस्तों, जो आप कहीं पर भी जाना चाहते हो, तो फ़्लाइट की मदद से आप लोग को जो टिकट लेना होगा, मैंने ऑनलाइन माध्यम से लिया है। मैंने पेटीएम के माध्यम से आपने टिकट लेके रखा हुआ है। उसके बाद मैं अभी आ चुका हूँ ये गुवाहाटी के जो लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई आंतर्जातिक विमानबंदर, आसाम इसमें बोलते हैं, लेकिन लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये। इसमें आ चुका हूँ। तो इसमें आने के बाद सबसे पहले मैंने अपना जो भी लगेज है उसका स्कैन करा लिया है। सबसे पहले आपने स्कैन कराना होगा। और स्कैन कराने के बाद आपको क्या करना होगा, जो आपका जो लगेज है, आपका लगेज अगर ज़्यादा, दो लगेज ले जा सकते हो, एक आप 15 kg का ले जा सकते हो और एक अपना हाथ में ले जा सकते हो 7 kg का। तो मैंने जो 15 kg वगैरह के जो बैग है उसको मैंने लगेज में दे दिया है। उसके बाद आप उधर पे अपना टिकट कलेक्ट कर लेना। यह है वो टिकट, आप देख सकते हो। इसमें मैं अपना नाम दिखाता हूँ, इसमें अपना जो गेट, कौन सा गेट पे आपने जाना है वो भी लिखा हुआ होगा। तो दोस्तों, ये देख सकते हो, मेरा नाम रकीबुद्दीन है। गुवाहाटी टू दिल्ली का ये टिकट है। तो दोस्तों, आप लोग को इसमें अच्छे से देखना है, क्योंकि गेट नंबर क्या है, आप लोग को इधर एक मॉनिटर दिखाई देगा, उसमें देखता रहना है कि आपका टिकट आपका कहाँ पे, कहाँ से कहाँ जाने वाला है आपका फ़्लाइट। तो उसमें लिखा हुआ होगा आपका कौन से गेट पे जाना हैगा। और किसी से पूछ लेना अगर आपको पूछना चाहते हो। तो आप देख सकते हो ये एयर एशिया है। तो हम फिलहाल जाने वाले हैं दोस्तों इंडिगो फ्लाइट से जाने वाले हैं, गुवाहाटी से दिल्ली। ये गुवाहाटी का एयरपोर्ट है, आप देख सकते हो। मैं आप लोग को थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, वैसे मैं ब्लॉग में बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए जो वॉइस है वो बाद में दे रहा हूँ। तो दोस्तों, जो इंडिगो का प्राइवेट जो बस होता है, उसमें आप लोग को इस तरह से बिठा के फ्लाइट तक ले आएगा, क्योंकि आप लोग को सर्कल नहीं जाना पड़ेगा। जो एयरपोर्ट से आपको फ़्लाइट तक, आपको इस तरह से एक बस में आपको बिठा के फ़्लाइट तक आप लोग को ले जाया जाएगा। ये कुछ इसमें पैसा कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये है वो फ़्लाइट। तो मैंने जो टिकट लिया है इकोनॉमी क्लास का लिया है, क्योंकि दोस्तों हम लोग कोई अमीर नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से है भाई, हम इकोनॉमी क्लास का टिकट लिया है। तो दोस्तों, इकोनॉमी क्लास का जो पैसेंजर है वो पीछे से चढ़ते हैं, और दोस्तों जो बिजनेस क्लास का पैसेंजर है वो आगे से चढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हम इसमें अभी चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी अंदर आ चुका हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। शायद इसमें अपना जो सीट नंबर है वो देख लेना है, अपना जो भी सीट है। अगर आपको नहीं आता है तो आप जो एयर होस्टेस है उसको भी पूछ सकते हो, आपका सीट नंबर ज़रूर दिखा देगा, ठीक है। तो इसमें बाहर का जो देख सकते हो आप लोग, अभी ये प्लेन फ्लाइट टेक ऑफ करने वाला है इधर से, गुवाहाटी से। तो मेरे साथ ये मेरा पापा भी आया है। तो अभी फ्लाइट टेक ऑफ करने वाला है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा ये टेक ऑफ किस तरह से करते हैं। बहुत सारे सबको इसमें इंटरेस्ट नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को मैं अपना खुशी शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट फ्लाइट है। तो दोस्तों, मैं कभी भी दिल्ली भी नहीं गया हूँ और फ़्लाइट में भी कभी भी नहीं चढ़ा हुआ हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट फ्लाइट है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा झटका लगता है, ये कोई बात नहीं। तो आप अभी टेक ऑफ कर सका हो अभी गुवाहाटी एयरपोर्ट से। तो अभी पूरा देख सकते हो दोस्तों, ये नीचे जो है ये ब्रह्मपुत्र है, गुवाहाटी का जो ब्रह्मपुत्र। उसके बाद
ये देख सकते हो बहुत सारे पैसेंजर दिखाई देगा। ये सबसे टॉप फ्लोर पे दोस्तों हम बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हो ऊपर की नज़ारा, आप देख सकते हो पूरा बादल है नीचे और ऊपर हम हैं इस फ्लाइट पे पूरा। तो उसके बाद हम अभी पहुंच चुके हैं ये दिल्ली, दिल्ली की देख सकते हो दिल्ली का नज़ारा ऐसा है कुछ। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, आप लोग को पता ही होगा दिल्ली का बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो जो लोग भी बहुत ज़्यादा है, बिल्डिंग्स वगैरह। तो आप देख सकते हो अभी हम लैंड करने वाले हैं दिल्ली की एयरपोर्ट पे, जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इसमें अभी लैंड करने वाला हूँ अभी। तो अभी फाइनली हमारा प्लेन इसमें लैंड कर चुका है, तो अभी हम प्लेन से उतर चुका हूँ। आप देख सकते हो ये बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा ही बड़ा दिल्ली का एयरपोर्ट है इंटरनेशनल। हम अभी उतर रहे हैं टर्मिनल 1 पे दोस्तों, इसमें 3 टर्मिनल है। मैं अभी आ रहा हूँ टर्मिनल 3 पे, अभी उतर चुका हूँ हम लोग। तो आप लोग देख सकते हो इस तरह से आप लोग को उतरना है। इसमें भी पीछे से एक फ्लाइट अभी अभी लैंड हुआ है, इंडिगो, कोई अदर स्टेट से आया है, अदर कंट्री से आया है वो शायद। तो ये इंडिगो का बस है, उसमें बस में अभी हम लोग को बिठा के जो एयरपोर्ट है एयरपोर्ट तक ले जाएगा। जो सभी फ्लाइट का अलग अलग होता है अपना अपना बस वगैरह जो अलग अलग होता है, इंडिगो का ये अलग बस है, और जो एयर एशिया वगैरह है, एयर इंडिया है, वो सबका अलग अलग बस है, अलग अलग सब कुछ अलग है। तो आप लोग देख सकते हो ये सभी इंडिगो का है, ठीक है, इंडिगो फ्लाइट का सब कुछ इसमें है। तो उसके बाद उसमें साइड में जो है वो एयर एशिया का है सब कुछ, तो सभी अलग अलग फ्लाइट का अलग अलग है। तो देख सकते हो इसके अंदर जो फ्लाइट है वो एयर एशिया का फ्लाइट है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं जो एयरपोर्ट है उसमें लैंड कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसमें देख सकते हो बहुत सारे फॉरेनर वगैरह भी है, हमारे साथ ही है शायद। तो यार इंडिगो का बस है। तो हम फाइनली अपना जो लगेज है उसको लेने के लिए जा रहे हैं एयरपोर्ट तक। एयरपोर्ट के अंदर की माहौल है तो बहुत, तो दोस्तों ये जो एयरपोर्ट है एयरपोर्ट के अंदर इतना दुकान दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा, आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये एयरपोर्ट है कि शॉपिंग मॉल है, आप लोगों को पता नहीं चलेगा, इतना ज़्यादा दुकान है इसमें अंदर। गुवाहाटी में भी है और इसमें भी है, दिल्ली में भी है। अभी हम आ चुके हैं टर्मिनल 1 पे है अभी, तो अपना जो लगेज है उसको अभी कलेक्ट करने वाला हूँ। तो इसमें अपना जो लगेज है वो इधर आएगा, तो हम उसको कलेक्ट करेंगे अभी। कलेक्ट करने के बाद, अभी कलेक्ट कर चुका हूँ, ये हमारा लगेज है। तो कलेक्ट करने के बाद अभी इसमें इधर से बाहर जाएंगे, बाहर जाके उबेर वगैरह लेके हम जाएंगे, बाद में दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और साइड में एक बेल आइकन रहेगा उसको भी प्रेस करना, क्योंकि दोस्तों मैं आमतौर पर डिफेंस रिलेटिव, जॉब रिलेटिव वीडियोज़ वगैरह छोड़ता हूँ, लेकिन ये दोस्तों आप लोगों के लिए एक ब्लॉग छोड़ दिया। तो कोशिश करूँगा एक अच्छा सा प्लेस होगा तो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।